हेलो फ्रेंड्स, लाइव इंडिया फूड में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ यमुनानगर और यमुनानगर मेरी फूड की स्टोरी चल रही है और मेरे साथ ज्वाइन किया है साहिल। हेलो, मेरा भतीजा है। और बताइए हम कहाँ पर आए हैं? चाय सुट्टा बार आए हम। चाय सुट्टा बार, ये मेरे को यमुनानगर की काफ़ी अच्छी फूड जर्नी कराने वाला है। आज ज्वाइन करते हैं, इसके साथ देखते हैं कहाँ कहाँ हमें लेके जाता है और यमुनानगर में क्या क्या खिलाता है हमें। तो चलो जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं। मेरे बैक साइड पर जैसे आप देख रहे हैं, चाय सुट्टा बार, लोकेशन काफ़ी अच्छी बनाई हुई है इन्होंने। आप सीटिंग्स इसकी देख रहे हैं। अब हम अंदर एंटर करते हैं। हाँ जी, एक्चुअली ये जो है अब यमुनानगर में 2 ईयर्स हो चुके हैं। इसका मेनली जो मेरा दिमाग में इसके कॉन्सेप्ट आया, मैं एक्चुअली जॉब करता था इंदौर में आज से 2 साल पहले। तो वहीं पे वहाँ पे जो है, आपको ये पता भी होगा कि इंदौर को जो है स्टार्टअप्स का हब बोला जाता है। हाँ जी, तो वहीं से आइडिया देखा मैंने, छोटे स्केल पे देखा था। तो इसको मैंने प्लान अप किया कि अपने जाके सिटी में एक बड़े स्केल पर इसको बिल्ड करूँगा। तो वही है, आज इसी बात पर हम इसी बात को लेकर सक्सेस की राह ढूंढ रहे हैं। तो मैं जैसे आपको मेन्यू कार्ड भी बाहर देख रहा था कि काफ़ी यूनिक आइटम्स आपने जैसे पान, चाय में, कॉफ़ी में वैरायटीज रखी हुई हैं, तो ये आपने खुद ही इसको? एक्चुअली क्या है, दिस इज़ अ फ्रेंचाइजी आउटलेट। ओके, जब हमने ये ओपन किया था उस टाइम जो है टोटल आउटलेट्स 100 थे, पर अब जो है 300 के आसपास हैं, जो कि अब हर बड़े सिटीज़ में आप देख पाओगे कि चाय सुट्टा बार है। तो ये मेनली मेन्यू जो है डिसाइडेड सारा फ्रेंचाइजी आउटलेट्स का ही है। तो मेनली कहीं पे जो है फूडिंग आइटम्स होता है, कहीं पे सिर्फ बेवरेजेस के साथ होता है, यहाँ पे दोनों का आप कॉम्बो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लोगे आप बताओ? क्या पांटी? एक पांटी कर देना आप। एक मसाला टी, वन पान, वन मसाला। हाँ, और चीज बर्गर एक। एक वेज चीज, एक वेज चीज बर्गर। ठीक है, थैंक यू सर। चाय सुट्टा बार में एक यूनिक चीज़ मैंने देखी है साथ में, कि जो सर्व किया जा रहा है सबके सब कुल्हड़ के अंदर दे रहे हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा, पर्यावरण को बचा के रखता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कुल्हड़ में ये डिस्पोज जब होता है, ये पूरा की पूरा मेल्ट हो जाता है। जैसे प्लास्टिक, आप जानते हैं कि प्लास्टिक के जो भी ग्लासेस वगैरह यूज़ होते हैं, उससे हमारे पर्यावरण और हमारे नेचर को काफ़ी नुकसान होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है इनका कि सब चीज़, जो भी चाय, कॉफ़ी कुछ हो, वो कुल्हड़ में ही सर्व हो रही है। जितने हमारे प्रोडक्ट रेडी हो रहे हैं, हम इतने गपशप मारते हैं साहिल के साथ। तो बताओ, यहाँ पे आप आते रहते हो? यस, मैं आता रहता हूँ। तो क्या अच्छा क्या लगता है इधर वैसे आपको? यहाँ की हर चीज़ अच्छी है। और मैंने देखा वैरायटी पान चाय काफ़ी नई यूनिक आइडिया जो हम टेस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद कहाँ जा रहे हैं हम? इसके बाद हम जाएंगे महाराजा बर्गर पॉइंट पे। बहुत अच्छा है, यहाँ का फेमस है, यमुनानगर का फेमस बर्गर पॉइंट। अब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके शूट करके आपको बताएंगे कि वहाँ का क्या टेस्टी फूड है। चलो पहले यहाँ खाते हैं, फिर अगले पॉइंट पे आपको लेके चलते हैं। तो देखो जी, हमारा बर्गर हमारे पास आ चुका है। अभी मैंने इसके 2 पीस कराए हैं, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे कि ज़्यादा वैरायटी आपको मैं टेस्ट करा पाऊँ। ये है पान टी ऑर्डर,
मसाला टी और साथ में वेज चीज़ बर्गर। यहाँ का बर्गर आप देख रहे हैं, क्वांटिटी और चीज़। और ये हमारा आ गया चीज़ बर्गर, ठीक है, थैंक यू। फूड यमी है, यहाँ का टेस्ट अच्छा है, तो आपको भी पसंद आने वाला इधर का टेस्ट। तो साहिल जी से बात करते हैं, साहिल जी टेस्ट कर रहे हैं, क्या पी रहे हो आप? बताओ टेस्ट हमारे व्यूअर्स को। बहुत अच्छा टेस्ट है यहाँ का, और अब मैं बर्गर भी खाने वाला हूँ, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। अब खा के देखते हैं कैसे लग रहा है बर्गर। एंड बहुत टेस्टी है, फ्लेवर्स जो है काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स हैं यहाँ के, वेजिटेबल्स बहुत अच्छी है, और अंदर जो भी मटेरियल डाला है बहुत अच्छा मटेरियल है। अगर आप यमुनानगर आएंगे तो चाहे छोटा आप जरूर आए, या विजिट करेंगे तो आपको खुद खुशी होगी। यहाँ के टी बर्गर सब कुछ एवरीवन बहुत अच्छा है। अभी मैं यहाँ की लोकेशन भैया से पूछ के अपडेट करूँगा, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी डिटेल में डालूँगा, जिससे आप इजीली यहाँ पर आके यमुनानगर में विजिट कर सकते हैं। और जो भी वैरायटी आप टेस्ट करेंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मेरी ऐसी फूड जर्नी चलती रहेंगी, यमुनानगर के फूड चल रहा है अभी मेरे ब्लॉग्स में। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुँचे। और मैं करता हूँ अपना फूड इन्जॉय, आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं, बाय बाय। सर हमारी लोकेशन जैसे आप देखोगे ना, यहाँ पे वन ऑफ द फेमस पॉइंट है सुविधा मॉल। तो सुविधा मॉल से जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आओगे जगाधरी जाने के लिए, तो इनफैक्ट इन 200 मीटर्स की दूर पे ही आप बड़ा सपोर्ट दिख जाएगा चाय सुट्टा बार का। और नियरली ये जो है सत्यम हॉस्पिटल के बगल में है, और कैप्सन मॉल हमारे सामने ही है, सत्यम हॉस्पिटल के बगल में और कैप्सन मॉल के सामने। ठीक है, थैंक यू।